पुसद तहसील के किराना सहित जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुले रखने का निर्णय जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लिया गया। इस निर्णय से खुश जनप्रतिनिधियों सहित जनता ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। वहीं जनता ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए अब आगे कर्फ्यू की मियाद न बढ़ाई जाए, ऐसी गुजारिश भी की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिग्रस और पुलसद तहसील में 22 से 28 जुलाई तक चलने वाले कर्फ्यू की मियाद 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद लोग सकते में आ गए थे। खासतौर पर मुस्लिम बंधुओं में आगामी 1 अगस्त को ईद उल अजहा को लेकर चिंता बनी हुई थी। ऐसे में जनता की मांग और जनप्रतिनिधियों की पहल से जिला प्रशासन और उपविभागीय अधिकारी को इस संदर्भ में जानकारी साझा की गई। इसके बाद SDO द्वारा जनता को उपरोक्त सहूलियत प्रदान की गई। हमारे पुसद के उप विभागीय अधिकारी राठौड़ साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे दिग्रस के तहसीलदार वजीरे साहब, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हम सभी नगर सेवकों के विनंती का मान रखते हुए आज तारीख 30 और कल तारीख 31 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, जैसे कि किराना, भाजीपाला, फल फ्रूट और इतर चीज़ें शुरू करने की गुजारिश को मान सम्मान दिया और आज से शुरू करने का आदेश दिया। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 24 तारीख को मैंने तहसीलदार साहब को इसी जीवन आवश्यक वस्तु के चालू रखने के सिलसिले में निवेदन दिया था। कल SDO साहब को उस चीज़ का पूरा किया हूँ। सभी नगर सेवक भाइयों ने ईद के सिलसिले में भी SDO साहब से बात की थी और तमाम नागरिक जो 3 दिन संचार बंदी बढ़ाने के सिलसिले में नाराज थे, उन्हें भी दिलासा मिला। इसके लिए प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। उपरोक्त मामले के संदर्भ में उपविभागीय कार्यालय की ओर से दिग्रस और पुसद तहसील कार्यालय के मार्फत ईद के लिए 2 दिन पहले दिग्रस और पुसद तहसील में कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रियायत देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत किराना माल से जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का आदेश जारी हुआ। नतीजतन आज बाजार में खरीदारी के लिए चहल पहल नजर आई। 31 जुलाई तक सुबह 10 से 2 बजे तक ये सहूलियत प्रदान की जाएगी। इस फैसले को लेकर एक तरफ जनता ने प्रशासन का धन्यवाद दिया, वहीं दूसरी तरफ बीते 3 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन जैसी स्थिति से लोग बेजार है। वहीं प्रशासन द्वारा बार बार मार्केट बंद करने और विभिन्न पाबंदियों में जनता को जकड़े जाने से नागरिक भी त्रस्त है। जिला प्रशासन ने और जिलाधिकारी साहब ने जो यहाँ पर 2 दिन की छूट दी बकरीद निमित्त, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जिला प्रशासन से हमारी एक निवेदन है भाई कि जो गरीब तबके का एरिया है हमारे, ये गरीब भाइयों का, तो जो सुबह को लाते शाम को कमा के खाते, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी सर। हमारा निवेदन है भाई, ये 1 तारीख के बाद में इसको हमेशा के लिए चालू रखा जाए और इसकी हमको कोई बात की तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि सर प्रशासन की तरफ से तो हमको कोई मदद नहीं मिल रही, लेकिन हमारा खाने के बावजूद भी हमको किराना वगैरह हर चीज़ की तकलीफ जा रही, वो मिल नहीं रहा हमको। सरकार से निवेदन है भाई हमारी कि हमको यहाँ पर हमारे पैसे से हमको लिया दिया जाए और किराना मार्केट चालू रखा जाए। गौरतलब है कि प्रशासन लोगों को कोरोना से बचाने के उद्देश्य से कई तरह की सख्तियां लाद रहा है, जो कि जरूरी भी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के चलते जारी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों से ज्यादा लोगों के रोजगार पर असर हो रहा है। ऐसे में जनता को सब्र से और प्रशासन को जनता की मजबूरियों को ध्यान में रखकर आगामी दिनों में एहतियातन कदम उठाने होंगे। NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।